खराब हो गया, जो वो चलता था वो भाग कर छोड़ो, हमने नाली सफाई में जाती है। पासागंज श्री फोलचर नाम है, भाजपा सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि नाली की गंदगी, अब मरीज मर रहे हैं सब। पार्षद ही बदल दोगे? योगी सरकार को किस बार वोट किया था? इस बार सरकार आपने बनवाई थी कि नहीं थी? जब अब ये हम नहीं बता पाएंगे, क्या खराब है कि कुछ बता नहीं सकते आपको। कोई सुनवाई करो, दौड़ के जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती। कहेंगे चलो हम आ रहे हैं, पाइप कब से हैंड पाइप मेरा खराब, हम लोग पानी के लिए तरस गए, किसी के मोटर में जाते हैं पानी बनने, वो मोटर अपनी बंद कर देता है, हम लोग को पानी नहीं देता, हम लोग प्यासे रह जाते हैं। हाँ ये स्थिति, इतनी गंदगी रहती, इतनी गंदगी, और जमादार से कहो कि झाड़ू लगाओ तो कहता हमारी एक दिन की ड्यूटी है, शनिवार को हमारी यहाँ ड्यूटी नहीं लगती है। मच्छर इतने लगते हैं, बच्चे व बूढ़े सभी लोग है, मच्छर लगते हैं, बीमार हो जाएंगे, जो सफाई की क्या औकात है? ये होता है जो डॉक्टर को देने से तो यही है, 300 की फीस देने से अच्छा है इसको दे दो, इसको दे दो भाई, चलो 10 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी ना। शादी रही इस गरन में, ये दोनों गरन में, तभी ये सब साफ करवाई नहीं है, इसे कहाँ आते हैं? मेरी बेटी भी कहती है फिर भी नहीं आते है, कहते है मेरे हद में नहीं। हाँ मेरी, हम मेरी बेटी अधिकारी है, नहीं सुन रहे हैं, जब नहीं सुनते हैं तो क्या करें, और क्या। उसी वार्ड 52 में मैं हूँ और भी परिवार है मेरे साथ यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके मोहल्ले में क्या हाल है। क्या वही बात है कि जो अन्य मोहल्लों में पता चला है कि धीरू इसलिए यहाँ काम नहीं करा रहे हैं कि बार बार इल्जाम लगाते हैं जनता पर, एक पार्षद जनप्रतिनिधि होने के बाद, जीतने के बाद उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी गली में वोट नहीं मिला तो हम काम नहीं कराएंगे। चलिए बात करते हैं आपसे, क्या नाम है चाची आपका? हमका सुषमा देवी। पार्षद जी आते हैं कि नहीं आते? नहीं काम आते, यहाँ नहीं आते, कोई नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। हाँ ये गली की स्थिति, कोई भी नहीं आता यहाँ, यहाँ नहीं आते, झाड़ू लगाने नाली लगाने आते तो वही नाली लगा के ऐसे चले जाते हैं, और कहीं इधर की नाली मेरे यहाँ नहीं आती है, आती मेरे हद में नहीं आती है। जमादार, क्या बात है, ये किसकी हद में आती है? ये सभासद है तो सभासद की हद में आना चाहिए, वोटर है हम लोग, उनको वोट देना है। अब वो बोलते हैं कि आप लोग मुझे वोट ही नहीं दिया तो मैं आपके इलाके में क्या करूं, वहां तक नल आया है पानी का, वहां तक नल आया है पानी का ठीक, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी किसी के घर में जाके देख लीजिए कि नल नहीं, नल है ही नहीं ना किसी घर में। तो मस सीवर लाइन है कुछ है? सीवर लाइन जो एक वर्षों से चूक पड़ी है उसको कहा जाता है, लेकिन वो सही नहीं, सीवर लाइन भी नहीं चाहती आप? नहीं मेरे यहाँ नहीं। क्या कहते हैं आपसे, क्या कह रहे थे आप? नहीं यहाँ पे वोट मिला तो हम नहीं काम करेंगे। हाँ इधर के हमको वोट नहीं मिले हैं। अच्छा। हाँ लखनपुर के वोट नहीं मिले, 7 वोट मिले केवल। कोई बात नहीं भाई कि मतलब नहीं भाई, तो नहीं मिले तो एरिया ही खत्म कर दिया। आप तो पार्षद चुन के आए हैं, पार्षद तुम्हें मिले हैं कि नहीं मिले हैं वोट, हम दिया है कि नहीं दिया, वहाँ तुमने देखे क्या कि यहाँ के इधर की वोट नहीं मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मार रहे क्योंकि काम नहीं कराना, नहीं, काम नहीं कराना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप जब दौड़ दौड़ के जाते हैं तो क्या कहते हैं? जाओ हम आ जाएंगे, और फिर आएंगे नहीं, हम लोग 5-6 उतर इकट्ठा हो के गए। आप ही साफ करते हो नाली जो है, जमादार आता 10-10 रुपए देते, तब नाली रुपए देते। हाँ जब नाली साफ होती है यहाँ की, यहाँ पर नगर निगम का जमादार आता है वो करता है, हाँ। कर्मचारी कोई आता है तो आप फिर ये 10-10 रुपए उसको, हाँ, देते हैं? इधर के 10-10 रुपए देते हैं। और उधर क्या है कि मांगता है कि आप लोग देते हैं? ना तो जब मांगता रहे, जब नहीं साफ करता तो बुलाते कि भैया चाय पानी वगैरह पैसे ले लो, बुलाते हैं। आप लोग लालच देती है तो भैया मच्छर इतने लगते हैं, बच्चे व बूढ़े सभी लोग है, मच्छर लगते हैं, बीमार हो जाएंगे, जो सफाई की क्या औकात है? ये होता है जो डॉक्टर को देने से तो यही है, 300 की फीस देने से अच्छा है इसको दे दो, इसको दे दो भाई, चलो 10 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी ना। शादी रही इस गरन में, ये दोनों गरन में, तभी ये सब साफ करवाई नहीं है, उसे कहाँ आते हैं? कोई नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा कूड़ा निकाल लेंगे, बोझा निकाले, अरे फड़वी से बोझा निकालो तो खाली, और आप हमारे इधर चलिए। तभी मैं देख रहा हूँ आके, इधर भी देखते हैं, और क्या ये लोग जो कह रहे हैं ठीक है? नहीं आते हैं, नहीं आते, नहीं आते, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, 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 कोई सफाई नहीं होता, कोई नहीं। मच्छर के क्या हाल है तुम्हें? मच्छर बहुत लगते हैं। ये धीरू भाई की गली है,
आपकी गली में भी नहीं आते? ये तो खैर अभी नहीं आता, कोई सफाई करने नहीं आता, कोई झाड़ू लगाने, ना नाली साफ होती है ना कभी झाड़ू लगा। क्या करोगे फिर, धीरो भैया बदल दो। अब तो बदले तो जाइबे करिए भैया, कोई बदले ही तो खैया, अब क्या कर। अब फिर अरे कभी साल में एक बार आ रहे, कभी आ गए तो आ गए, कभी कुछ नहीं होता है। आप क्या कह रही थी, धीरो को बदल देंगे क्या इस बार? जो साफ सफाई नहीं तो बदल जाइए। तो देखो इतनी गंदगी है कुछ कहा, हम लोग पैसा दे के तमाम सफाई हो रही। तो ये देखिए, ये इस गली में यहाँ पे तो देखिए पानी बाहरी है पूरा पूरा, और ये तो पूरी भरी हुई नालियां है, इधर तो कोई आता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये तो सब साफ हो सकता था मेरे ख्याल से। हाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से में जो आते हैं सफाई करने, वो कहते हैं हमारे इसमें है नहीं, हमारे हिस्से में नहीं आता ये, हमारे हिस्से में नहीं आता ये, बताते हैं। तीन साल हो गए इसे कहते, हम लोग दो तीन बार साफ करे अपने पैसे से, नहीं आता है, इधर नहीं आता हमारे, कहते हैं हमारे हाथ में ही नहीं आता है ये कहते हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत पहले भी इतना साफ किया, जब पानी जब बह करता तो हम लोग खुद हाई कोर्ट में अधिकारी है हमारी बेटी, और हमारी बेटी भी कहती है फिर भी नहीं आते, कहते मेरे हद में नहीं। हाँ मेरी मेरी बेटी अधिकारी है, नहीं सुन रहे हैं, जब नहीं सुनते हैं तो क्या करें, बदल दो फिर। और क्या बदले नहीं है। तो आप लोग किसको पसंद करेंगे मेयर में? धीरू भाई को तो हमने सोच लिया कि आप लोग बदल रहे हैं यहाँ से, मेयर में कौन से पसंद लग रहे हैं? देखो जो आएगा इसमें जो अच्छा काम, ये तो बस अगले महीने ही आपको सब कुछ करना है। धीरू भाई जी का भी आप भी अगले महीने देखना है, क्योंकि वोट होने वाले हैं अप्रैल लास्ट में, मई में हो जाएगा वोट, ये तो मेयर भी चुनेंगे, तो अच्छा मेयर चुनेंगे तो सफाई भी अच्छी होगी। अरे कहीं कहीं भी है, मतलब अपने पास से, मतलब हम लोग साफा करवाते हैं, कभी कभी जो है मतलब ज्यादा भर जाती है यहाँ, मच्छर गंदगी कुछ इतनी महकती है, बदबू आती है पूरा मोहल्ला एकदम से अपनी बात रखने के लिए आ गया। आगे और भी लोग हैं क्या? तो आप देख सकते हैं कि सभी बुला बुला के बता रहे हैं, स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पे। ये स्थिति ये भी नहीं कभी है, ये है क्या, मतलब कूड़े घर है कि क्या है, किसी का प्लाट है ये, नालियां इसी तरह से ये इसी पड़ी रहती, कोई जमादार यहाँ कोई नहीं आता सफाई करने वाला, बच्चों को डेंगू मलेरिया सब हो चुका है यहाँ पे, बच्चों को चार बार इसी बीच में, स्थिति तो बहुत गंभीर है। पीछे तक का देखिए, पीछे तक का ऐसे ही पड़ी है, यहाँ कोई बुलाया जाता तब भी नहीं आते हैं। ये देखिए आप, इस कोई आया था वोट मांगने? क्या नहीं, पहले जब उस बार नहीं खड़े हुए रहता तब आए थे, वोट मांगने आएंगे, इसके बाद कोई नहीं दिखाई देता है, चाहे वो किसी के पार्टी का भी हो कोई नहीं दिखाई देता है। जो जीतेगा वही तो उसी के हाथ में काम होगा, नजरे नहीं आते हैं, नजरे नहीं आते हैं, वो तो चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे। बीमार तो नहीं हुआ इस बीच में आपके? अभी तो हमारे यहाँ तो नहीं, उनके भाभी की आती है, बिटिया को हो चुका है डेंगू। दो दिन से लाइट नहीं आ रही है, आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है पानी? पानी भाई हमें तो मोटर वोटर लगी नहीं है, तो हम नहीं जानते, हम तो हैंड पाइप से भरते हैं भैया, गरीब आदमी ना। आप इधर आ जाइए भैया, उधर चलो आप, कितनी गंदगी पानी। ये तो घर में आप अंदर ले जा रहे हैं, तो किसी से शिकायत नहीं करती हो आप? नहीं, पार्षद है विधायक है किसी से तो आप? इधर तो बहुत स्थिति खराब है भाई, आप देखो ये यहाँ पे गंदगी, आप लोगों के सबमर्सिबल नहीं लगा हुआ है, किसी नल का पानी पी रहा पूरा मोहल्ला, इसमें तो पानी भी नहीं आ रहा है। इस स्थिति देख लो, ये नल है और इसके जस्ट बगल में ये नाली है, पूरी भरी हुई है, यहाँ पे बच्चे आते होंगे या घर वाले आते होंगे पानी पीने के। क्या
बीमार रहते हैं, परेशान है क्या यहाँ पे कहीं भी, मतलब पानी एक तो नल खराब हो जाए तो कहीं पानी भी नहीं मिलता हम लोगों को। मोहल्ले में सिर्फ एक ही नल है यहाँ पर, बस ये कोई नल है, बस एक ही नल है कहीं भी। कितने परिवार है लगभग? अरे यहाँ पर ये पूरा हरी घर है, यहाँ से लेकर अंदर तक ये पूरा हरी घर है यहाँ पर, इसी में सब लोग बत्ती चले। 50-60 घर सिर्फ यही एक नल है, बस एक ही नल है यही है। आप लोगों की तो एक एक बाल्टी दो दो बाल्टी करके लाइन लगा के लिया जाता है, बारी बारी से भैया भर मांग लिया जाता है, बारी बारी भरते सुबह एक एक बाल्टी दो दो बाल्टी। ये दिखाना, ये देखो, ये इस तरीके से पूरा भरा हुआ है ये पानी का, ये चलो दिखा दो भाई। ये नाली का स्थिति ये है, ये तो आप ही लोग फैलाए, आप लोग क्यों फैलाते हो फिर यहाँ पे ये चीजें? कम से कम वो तो अलग स्थिति, ये तो अलग रख दिया करो, आप लोग ना फैलाया करो। टंकी भी नहीं, एक भी आपके यहाँ एक बाहर लगी केवल, बस वो एक अंदर एक नल के अलावा कुछ नहीं है, ये नल के अलावा कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, एक भी नल नहीं है इस मोहल्ले में, केवल एक नल दिया हुआ। लगभग 30-35-40 घर है, या तो हर एक की स्थिति नहीं होती कि सब मर्सिबल लगवा सके। आप गलियां देख सकते हैं, ये छोटे छोटे इस तरीके से, और इस गली में कोई स्वीपर नहीं आता है। देखिए, एक दिखावे की जिंदगी हो गई है, चाहे नेता की हो या किसी की भी हो जाए, केवल ऊपर ऊपर जहां पे फोर व्हीलर घुस जाए वहां पे तो लोग पहुंच जाते हैं सफाई करने के, है ना। ये नालियां आप देखिए, कबीर न्यूज आपको वहां की स्थिति दिखा रहा है, आप यह देख लीजिए। इन सभी जगहों पे कोई नहीं आता है रिपोर्टिंग करने के, कोई नहीं आता, ना तो कोई आता है सफाई कराने के। स्थिति ये है, स्थिति ये है, स्थिति देखिए आप, हर जगह पे जो लोग बाहर की गलियां तो चमका लेते हैं, घुमा ले जाते हैं कि वहां पे एक भी नल नहीं है, एक भी स्वीपर अंदर नहीं आता है, जो इनके मोहल्ले वालों का कहना है कि ये छोटी छोटी गलियों में सफाई का आलम आप देखिए। गली आप वहां जाके खुलेगी जाके, लेकिन आपके घरों में इस समय किस तरह मच्छरों का हाल होगा आप देख सकते हैं, लेकिन इस मोहल्ले का आप हाल देख लिए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति सफाई करने के लिए नहीं आता है। पूरे मोहल्ले में केवल और केवल एक नल है, ना तो विधायक साहब सुन रहे हैं, ना तो पार्षद साहब सुन रहे हैं, ना ही मेयर साहब सुन रहे हैं। आप इस स्थिति को समझिए, पूरे मोहल्ले में केवल एक ही नल है यही। आप लोग कैसे पानी लाते हैं? हम लोग उनको लगी है वो मोटर। आप अपनी समर्थ में लगवा रखे हैं कि सप्लाई वाला पानी आ रहा है? नहीं, मोटर लगी है, मोटर लगा है, मोटर लगी है। तो ठीक है, आप तो सही हैं। कितने लोग आते हैं सुबह सुबह आपसे पानी मांगने के लिए? पानी हम लोग नहीं देते, ना कोई वहाँ पे हमारे पास ऐसा देते है, नहीं व्यवहार नामी कोई चीज नहीं है। सही बात है, तो हमारे आपको दिखाए है पूरे इस, बेटा बेटा कहाँ, हाँ ये अब ये नालियाँ खुद साफ करते हो आप लोग क्या? उसको पैसे तो नहीं देते? ये देखो पूरी नालियाँ पूरी भरी हुई है, ये पानी, ये पाइप तक खराब हो गया है, तो इसकी शिकायत ही कर देते कम से कम एक मोहल्ले में दो पानी। कोई पार्षद नहीं, कोई विधायक नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ देखने कोई नहीं आता है। आपको आपके सहारे पे छोड़ दिया गया? जब यहाँ देख तो रहे आप पोजीशन, क्या कहा जाए, देख रहे बस बस आप देख रहे, बस देखिए हम लोग कहने से क्या फायदा है। इन आदमी मर जाए तो बीमार हुए पिछली बार आपके यहाँ पे? आपके यहाँ तो कोई बीमार नहीं हुआ? बीमार तो थे ही है, सब बीमार ही रहते हैं, आप नहीं है क्या करना। ये मच्छर आप देख रहे हो, कितने बीमारी आ सकती है।
वाकई में बहुत ही गंदगी है, अक्सर सब बाहर बाहर चमका के चले जाते होंगे। यहाँ कोई नहीं आता भैया, कोई भी नहीं, शनिवार को एक बार आते हैं बस। तो खुश हो भाजपा की सरकार? भैया हम क्या जाने, हम तो आए हैं। हम सजेशन है कि लाल सजन श्री पोलचर नाम है, हम भाजपा सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि नाली की गंदगी, अब मरीज मर रहे हैं सब। गति बदल दोगे? योगी सरकार को किस बार वोट किया था? इस बार सरकार आपने बनवाई थी कि नहीं थी? जब अब ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम सरकारी नौकरी करते हैं और हमें जाना पड़ता है वोटिंग पे, इस वजह हम मजबूर है। सरकारी नौकरी लगते है। आप लोगों ने वोट किया था बीजेपी को? सही बताइए। नहीं हमको नहीं पता है। यार यार ये देखिए, पानी टंकी लगवा दीजिए भैया। केवल पानी की टंकी की समस्या है, सफाई की समस्या है? वोट नहीं दिए गए, मगर वोट दिए। क्या आप क्या कहने के लिए आए बताएं? यहाँ इतनी समस्या खराब है कि कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। कोई सुनवाई करो, दौड़ के जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग की। बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती। कहेंगे चलो हम आ रहे हैं, पाइप कब से, हैंड पाइप मेरा खराब, हम लोग पानी के लिए तरस गए, किसी के मोटर में जाते हैं पानी बनने, वो मोटर अपनी बंद कर देता है, हम लोग को पानी नहीं देता, हम लोग प्यासे रह जाते हैं। हाँ यही स्थिति, इतनी गंदगी रहती, इतनी गंदगी। और जमादार से कहो कि झाड़ू लगाओ तो कहता हमारी एक दिन की ड्यूटी है, शनिवार को हमारी यहाँ ड्यूटी नहीं लगती है। अच्छा। हाँ ये बोलता है। बदल दो फिर। अब हम लोग कैसे बदले सर बताइए? वोटिंग आने वाली है अगले महीने, अगले महीने लोग तो कहते हैं कि वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लोग तो वोट देते हैं। ये वोटिंग जो डाले जा रहे हमसे श्री फूलचंद है, ये वोटिंग सत्य निगम हमारा अच्छा था, तो पूरा घर और एरिया देखता था। सतेंद्र निगम नहीं, सुनवाई होती है, आप चाहे तो कुछ सुनवाई कर सकते हैं, हम लोग की तो कोई सुनवाई नहीं थी, हम लोग बहुत दौड़। क्या क्या आपकी डिमांड है इस मोहल्ले में? टंकी आनी चाहिए, पानी आनी चाहिए, हमारी पानी सप्लाई वाला लाइन पड़ जाए, हैंड पाइप ठीक हो जाए, नई टंकी रखवा दीजिए, इतना तो पब्लिक को कुछ मिले, तो हम लोग भी पब्लिक के लिए, आप सब करते हैं वोट के लिए, सब कुछ करते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा करके वोट उन्हीं को देते हैं, बाकी जब वोट भी देते हैं और फिर भी नहीं कुछ होता है तो खलता है। वोट लगता है सपा भाजपा को, हम देते हैं सपा को, मशीन गड़बड़ है, यही तो क्लियर है, ये मशीन वाला नहीं, अंगूठा लगा है, वोट डालो, सप्पे वाले आने चाहिए वापस, बस वाकई मल्ले सो फास्ट मायो कर बटन, सप्पे वाली मशीन आनी, मशीन नहीं होनी चाहिए। तो आप ये स्थितियां देख लो, ये छोटा लखनपुर है, छोटा लखनपुर है ना, छोटा लखनपुर है, ये छोटा लखनपुर की स्थिति है ये, यहाँ पे कि एक नल है, कैसे रह रहे हो भाई, नहाए नहीं लग रहा है? नहीं रहा है भैया, पानी नहीं आ रहा तो नहाए कहाँ से, वीडियो ये आला ना भाई, अब तो क्या चल रहा है, चले नहीं 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 भैया। तो देखिए कहाँ पे, यहाँ की टंकी नहीं लगी, वो बाहर क्यों लगवाई गई? वहाँ लग गई टंकी, इस मारे के मंदिर, और मंदिर यहाँ पर भी है, तो यह टंकी नहीं लग सकती, यहाँ पर पानी मलिन बस्ती है यहाँ पे पूरा, और कोई समझना नहीं हर होती हम लोग की, ये बताइए कुछ भी नहीं। टंकी वहाँ की बजाय यहाँ के लिए आई थी, तो वहाँ लगवा दी? हाँ वहाँ लगवा दिया टंकी, और यहीं के लिए टंकी पास हुई थी, विरोध नहीं किया? हम लोग आने के लिए तैयार। आपने विरोध नहीं किया? हम लोग ने विरोध खूब किया, विरोध खूब किया, बाकी कोई सुनवाई नहीं। कौन समाज के लोग ज्यादा यहाँ रहते हैं? यहाँ सुरुल कास्ट भी रहते हैं, ऊंची कास्ट भी रहते हैं, सब सभी आजाद रहते हैं। ज्यादा कौन? ज्यादा पासी। हाँ यहाँ पे पासी, पूरा पूरा पासी समाज, कोई हमारे रहता है, कोई वो है, क्रेचर है, ऐसे लोग है इधर पासी लोग। आपको ये नहीं लगता कि ये कास्ट की वजह से हो सकता है शायद यहाँ पे विकास? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, तो मलिन बस्ती में तो आना चाहिए, मलिन बस्ती का पास हुआ है सर, तो मलिन बस्ती में आना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यहीं की टंकी पास हुई थी, और हम लोग से कहा गया कि आप वोट दीजिए, हम टंकी हमेशा हमने वोट दिया बीजेपी को, फिर के बाद भी आपको वोट लेने के बाद बाहर करते, कुछ नहीं हुआ हम लोग का, कुछ नहीं होता। ये स्थितियाँ ये है कि मतलब कहा यह जा रहा है कि आप वोट हमें दीजिए, लेकिन हम काम कराएंगे, लेकिन वोट देने के बाद नदारद हो जा रहे हो, किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो ये ना कोई जाता है यहाँ पे देखने के लिए, तो आप स्थितियां समझ सकते हैं, आपने देखा, मैंने इससे पहले भी दिखाया था, ये स्थिति है यहाँ पे, जहाँ पर पानी भरा जा रहा है, पानी का ये
भरा हुआ आप देख लीजिए, लोग यहाँ आते होंगे, छोटे छोटे बच्चे गिरते भी होंगे आके यहाँ पे, इसकी वजह से इतना मच्छर होते होंगे। और अभी एक लोग कह रहे थे कि उनके परिवार में 3 से 4 लोगों को डेंगू हो चुका है, लेकिन सरकार उदासीन है, किसी तरीके से सुन नहीं रहे हैं। तो अभी और भी ऐसे मोहल्लों को मैं दिखाऊंगा, और भी लोगों से आपको मिलाऊंगा। इन लोगों की समस्या है, वो मेन समस्या पानी की है कि यहाँ टंकी यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो आपको दिखाया था, टंकी बना दी गई है मेन रोड पे, यहाँ पे टंकी नहीं बनाई गई। पानी की भी समस्या है, मलिन बस्ती है, इसलिए इनको नजरअंदाज किया जाता है, केवल वोट के समय याद किया जाता है। आक्रोश बहुत है, धीरू त्रिपाठी को हटाना भी चाहते हैं, और देखो किसको चुन के लाते हैं, ये तो समय की गर्दन है। ऐसे और मोहल्लों की और जमीनी हकीकत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहे कभी न्यूज के साथ। नमस्कार।